मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन आज, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में तक्षण के वोट साधने की जोरदार कोशिश। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज प्रधानमंत्री करेंगे रोड शो, अब की बार 400 पार के अपने नारिक से मांगेंगे वोट। तेलंगाना के जगत्याल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली में होंगे शामिल, बाद में कर्नाटक के शिवमोगा में भी एक सार्वजनिक रैली में शामिल होंगे। शिवमोगा में होने वाली रैली में पार्टी को काफी उम्मीद, अल्लामा प्रभु मैदान में करीब 2.5 लाख समर्थकों को जुटने की उम्मीद। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी में पहले रैली होगी, फिर पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। राहुल गांधी की यात्रा का हुआ समापन, मुंबई में एक मंच पर फिर जुटे इंडिया के कई नेता। न्याय यात्रा के समापन पर विपक्ष ने उठाए कई मुद्दे, ईवीएम, चुनावी बॉन्ड, ईडी, सीबीआई और पुलवामा से जुड़े कई मुद्दे। मुंबई में विपक्ष की रैली में बोले राहुल गांधी, कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है, कहा विपक्ष में पूरे देश की आवाज। न्याय यात्रा के समापन के दौरान बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा मशीन पर नजर रखना, वोट कहां जा रहा है। कल्पना सोरेन ने भी मंच पर भरी हुंकार, बोली हमें तानाशाही को हराना होगा, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर बोला, देखो आज हम सब एक साथ हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर शरद पवार भी रहे मौजूद, कहा आज हमें परिवर्तन लाना है। खड़गे ने भी मंच पर बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा देश में गरीबी बढ़ रही है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा लालू जी मोदी जी का इलाज करेंगे। हम ये पैगाम लेकर के आए लालू जी का, डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। दिल्ली चुनाव नीति केस में ईडी का अरविंद केजरीवाल को 9 सवा ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में भी केजरीवाल को ईडी का समन, आज होगी पूछताछ। ईडी की नियत पर आम आदमी पार्टी ने उठाया सवाल, का इनका मकसद जांच करना नहीं है, केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। तो ये साफ दिखाता है कि उनका मकसद जांच नहीं है, उनका मकसद न्याय नहीं है, उनका मकसद सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय पर लगाया आरोप, कहा फर्जी मामले में केजरीवाल को किया तलब। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बदली मतगणना की तारीख, अब 2 जून को होगी वोटों की गिनती। दोनों राज्यों की विधानसभा को कार्यकाल 2 जून को हो रहा है खत्म, पहले 4 जून को गिनती थी तारीख। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों सहित तो कुल 4 राज्यों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में काउंटिंग लोकसभा चुनावों की काउंटिंग के साथ 4 जून को होगी। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार, वहीं सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार। महादेव ऐप मामला में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, जल्द होगी पूछताछ। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने महादेव पर लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, आगाज सत्ता में किए कुकर्मों का फल जनता ने दिया। सरकार पर निशाना साधते हुए बोले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, का 2021 से आईटी, ईडी और सीबीआई इस पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत को लेकर आएगा फैसला, कल सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई। दिल्ली में आज से 20 मार्च तक का होगा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन, भारत मंडपम में लगेगी कई डोमेन के स्टार्टअप्स की 3 दिवसीय प्रदर्शनी। बरसाना में धूमधाम से मनाई गई लड्डू मार होली, चारों तरफ लड्डुओं की बारिश, सभी सिर्फ लड्डू लूटने में मस्त।
बरसाने की प्रसिद्ध लड्डू होली में भक्तों ने जमकर बरसाया लड्डू, जिसमें हजारों किलो लड्डू की बरसात हुई। बसंत पंचमी से यहां चढ़ने लगता है होली का रंग। ब्रजमी करीब 40 दिनों तक होली खेली जाती है। बरसाने में प्रवेश करते ही जगह जगह ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए श्रद्धालु। बरसाने की विश्वख्यात होली में लाखों की संख्या में आए भक्त मंदिर की दीवारों पर टाप कर राधा रानी मंदिर में प्रवेश करते नजर आए। दिल्ली के स्वामीनारायण मंदिर में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन, शानदार भजन संध्या। दिल्ली के होली उत्सव के लिए रहेगा अनुकूल मौसम, साफ आसमान और हल्के तापमान का अनुमान। श्रीनगर में युवाओं ने बनाया बॉलीवुड स्तर के कश्मीर वीडियो एल्बम। करनाल में एक शख्स ने अपने शरीर पर 200 से ज्यादा शहीदों के नाम पर जिला जाकर प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर कर रहे हैं भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग। फतेहपुर में नन्हे रस्सियों ने बांसुरी बजाकर फाग उत्सव का आगाज किया, फाग के गीत में जमाया रंग। श्रीनगर के एडवेंचर प्रेमियों के लिए लंबे समय बाद आई गुड न्यूज, पहली बार यहां फॉर्मूला 4 का इवेंट का किया गया आयोजन। डल झील के किनारों से गुजरने वाली बुलेवार्ड रोड दौड़ती नजर आई फॉर्मूला 4 की कार्स। करीब 4 घंटे तक चले इस शो में कारों ने दिखाई कई करतब। जेकेटा मोटर स्पोर्ट्स की टीम ने स्टंट और ड्रिफ्टिंग का मजा लिया। ललित घाट से नेहरू पार्क तक का तकरीबन 2 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर आयोजित किया गया ये इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इस इवेंट की तारीफ की, लगा भारत में मोटर स्पोर्ट्स का भविष्य उज्ज्वल। स्मृति मंदाना ने बेंगलोर टीम का खिताबी सूखा कार खाली कर दिया। रोमांचक फाइनल में दिल्ली को 3 गेंदे रहते 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली इंडोर्स जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.3 ओवर में 113 रन बनाए, जबकि आरसीबी ने 19.3 ओवर में 2 विकेट के साथ जीत हासिल की। बेंगलुरु की तरफ से विदेशी खिलाड़ियों एलिस पेरी ने बनाए सबसे अधिक 37 रन। आरसीबी के सोफी मोलेनो बनी प्लेयर ऑफ द मैच। ये पहली बार है जब आरसीबी ने महिला और पुरुष आईपीएल मिलाकर जीता है खिताब। अजमेर से बड़ी खबर, साबरमती एक्सप्रेस में बड़ा हादसा होने से बच गया, साबरमती एक्सप्रेस में ने खड़ी मालगाड़ी को मारी टक्कर। मदार रेलवे स्टेशन से पहले यह मालगाड़ी खड़ी थी, हजारों की संख्या में पैसेंजर मौजूद थे। इस हादसे में किसी भी तरह की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में हादसा, भारी भरकम भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन इमारत। हादसे में 10 लोगों का किया गया रेस्क्यू, कोलकाता के CMRI अस्पताल में चल रहा इलाज। अयोध्या में जनसंत आचार्य लोकेश मुनि ने किया रामलला के दर्शन। बिजनौर में युवक कर रहा है पॉली फार्मिंग, उगा रहे शिमला मिर्च और खीरे। मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार में नन्हे मेहमान का आने से जश्न का माहौल। बठिंडा में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने मूसेवाला परिवार को दी बधाई, बांटी मिठाई है। फतेहपुर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व MLC आमश पंदवी थामा शिंदे उन्होंने गुट। जयपुर में जागिंदा सुधर समाज ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। जालंधर में पुलिस ने कई रेस्टोरेंट, होटल्स और बार पर छापेमारी की। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की गंगा मां की पूजा अर्चना। भिवानी में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर ने शुरू किया चुनावी प्रचार, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली पर जोरदार हमला किया, कहा कि सब कुछ फोटो सेशन करने जाते। लातूर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर विधायक और सांसद के कार्यक्रम में आंदोलनकारियों ने नारेबाजी की। AIADMK को चुनावी बॉन्ड से मिले 6.05 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा चेन्नई सुपर किंग्स को दिया चंदा। मनाली में बर्फबारी का पर्यटन जमकर ले रहे हैं आनंद, पर्यटकों की मस्ती का तस्वीरें निकलकर सामने आई। वाशिम के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश।
कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता नाम की किताब के विमोचन में पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचे हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सैनी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंची टीवी के माता सीता दीपिका चिखला किया। लैक्मे फैशन वीक में एक्ट्रेस शहनाज गिल ने किया रैप वॉक। अभिषेक बच्चन जल्द आएंगे नई फिल्म में नजर, फिल्मेकर सुजीत सरकार के साथ करेंगे काम। झालावाड़ में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है होली का खुमार, होली से पहले हुई उत्सव की प्रक्रिया। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा ऑफिस में किया उद्घाटन, पूजा पाठ के साथ शुभारंभ। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैंपेन ऑफिस का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया चुनाव प्रचार। रे पार्टी में सांपों का जहर इस्तेमाल करने के मामले में एल्विश यादव गिरफ्तार। मादीपुरा में बर्फबारी में फंसे सैलानियों का हुआ रेस्क्यू, सभी को जिला प्रशासन ने किया एयरलिफ्ट। पीलीभीत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के नाम की घोषणा का इंतजार, वरुण गांधी ने किया ट्वीट। मशहूर पंजाबी सिंगर गुरदास मान ने सिद्धू मूसेवाला के घर पर बेटे को जन्म की बधाई दी, बच्चे की लंबी उम्र की कामना। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। उरैया में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल ने किया फ्लैग मार्च। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में पुलिस को बड़ी सफलता, छत्तीसगढ़ नक्सली गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने चलाया स्पेशल अभियान, 500 से अधिक फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। जामताड़ा में जेपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने किया हंगामा। गुजरात में फर्जी अधिकारी का एक और मामला निकलकर सामने आया, द्वारका में फर्जी आर्मी कैप्टन बनकर कर रहा था बदमाशी। विकासनगर में महिला ने नहर में लगाई मौत की छलांग, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने देवदूत बनकर बचा ली महिला की जान। सहरसा में ऑनलाइन गेम के जरिए लोगों को बनाया ठगी का शिकार, साइबर फ्रॉड गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रूस में कायम रहेगी व्लादिमीर पुतिन की सरकार, करीब 88% वोटों के साथ जीता राष्ट्रपति चुनाव। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से ही कायम है। बोरिस येल्सिन की खराब स्वास्थ्य के चलते 1999 में रूस की सत्ता की बागडोर व्लादिमीर पुतिन ने सौंपी। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के आखिरी दिन भी ड्रोन से हुए हमले, बेलगोरोद में यूक्रेनी ड्रोन हमले की एक बच्चे की मौत। कैबिनेट की बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद गाजा में हमले। इजरायली सेना ने गाजा सिटी में फिर किया हवाई हमला, हमले के बाद उठा काले धुएं का गुबार। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्री काला सागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आदेश दे दिया, उन्होंने शोगी में जहाजों पर हमले रोकने के लिए सैन्य अभ्यास की कही बात। अफ्रीकी देश नीजर ने अमेरिका के साथ सैन्य समझौते का किया रद्द। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। नक्सलवादी हिंसा के खिलाफ ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बड़ा प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे हजारों संख्या में लोग लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट पर मार्च। आइसलैंड में दिसंबर के बाद चौथी बार ज्वालामुखी देखने को मिला, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो।